आप कह रहे हैं क्या आपको लगता है कि समझाने में आप विफल रहे या आपको लगता है कि जो उनके ऊपर वोट की राजनीति कर रहे हैं वो उनको बरगलाने में ज़्यादा सफल रहे हैं हरियाणा का दुर्भाग्य था कि दूसरे प्रदेशों से आकर के हमारे बॉर्डर रोक लिए गए थे हमारी इकोनॉमी को ख़राब किया गया था लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि उस आंदोलन के बाद जो लोग ये कहते थे कि हम किसानों के मसीहा हैं हमारे हमें अधिकार है किसानों के भाग्य का फैसला करने का उन्होंने पार्टियाँ बनाई चुनाव लड़े और जिस क्षेत्र में वो थे वहीं के किसानों ने उनको ये अधिकार नहीं दिया और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में आए किसान वर्ग ने इतना बहुमत से उनका साथ दिया है और लोकतंत्र के अंदर मैं समझता हूँ कि व्यवस्था यही है कि जनता अपना मत जो है चुनाव के द्वारा ही प्रकट करती है और पिछले दिनों ये ऐसा हुआ कि जो चुनाव हारे हुए लोग थे जिनको जनता ने अस्वीकार किया था वो सड़क रोक करके बैठ गए उन्होंने कहा कि हमें अधिकार है आपके भाग्य का फैसला करने का चुने हुए प्रतिनिधि जो चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो उन्होंने कॉल दी कि आप गांव में नहीं जाओगे आप किसानों के फैसला नहीं करोगे इस तरह का आंदोलन हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा और लोकतंत्र के लिए इस तरह की ये चीज़ अच्छा नहीं होती